नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं सूर्य का गोचर की। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 13 फरवरी 2022 को। सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और यहाँ पर भी बेल आइकन के बटन पर दबाएं और चैनल से जुड़ जाएं। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति राजा जैसी जिंदगी जीता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो सरकारी गैर सरकारी नौकरी में तरक्की मिलती है। सूर्य मजबूत हो तो शासन प्रशासन से लाभ मिलता है। सूर्य मजबूत हो तो सरकार की कृपा होती है, सरकारी जो तंत्र है उसकी कृपा होती है। सूर्य मजबूत हो तो पिता का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य मजबूत हो तो पिता का आशीर्वाद भी मिलता है और पिता का व्यापार भी चमकता है, उनका कार्य भी चमकता है। तो सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों का राजा जब किसी पर मेहरबान हो तो फिर उसको सब कुछ मिल जाता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि को क्या मिलने वाला है 13 फरवरी से अगले एक महीने तक। बात करेंगे मकर राशि की। दूसरे घर में सूर्य की उपस्थिति जो आपका पैसा है, जो वित्त है, उससे संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सा आपके ध्यान को आकर्षित कराती है। पैसों के महत्व पर आप जोर देते हैं कि हाँ भाई, पैसा कमाना है, जोड़ना है, पैसे का महत्व क्या है, बेफालतू में खर्चे वगैरह नहीं करते हैं। आप जो होते हैं वो भौतिकवादी संपत्ति के प्रति अपनी इच्छा मजबूत रखते हैं, यानी पैसा ज़रूरत है, पैसे से ये होता है, पैसे से वो होता है, और आपकी ज़िंदगी में जर जोरू और ज़मीन के झगड़े आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। यानी पैसों को लेकर जो भी चीज़ें हैं उसमें वाद विवाद, कमाना है, ये मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, उसके लिए लड़ना है, झगड़ना है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहते हैं कि मुझे तो पैसा चाहिए चाहे कैसे भी मिले। यानी इस जीवन में जो सुख है उसको पाने के लिए आप पैसा कमाने के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। मजबूत सूर्य आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आपको आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। आप परीक्षा प्रतियोगिता के अर्थ को समझेंगे, सही तरीके से पैसा कमाएंगे, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, दूसरों के साथ रेस में दौड़ेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे और दौड़कर जीते तो जीते, हारे तो हारे। आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और अपने जीवन में पैसे को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे पैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे खर्चे किए जाएं, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा बजट बनाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो आपकी जो आमदनी के जो रास्ते हैं वो कम होंगे, लेकिन खर्चे वैसे ही बने रहेंगे। आपको माइग्रेन, सर दर्द या आंखों से संबंधित समस्या भी हो सकती है अगर सूर्य खराब है। मकर राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और परिवार, धन, वाणी और रत्न आभूषण के घर में, यानी दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। ये घर होता है बैंक बैलेंस का। आपके लिए यह समय मिला जुला रिजल्ट देगा। इस समय आप आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ पारिवारिक विवाद, इन सब के बावजूद आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हर तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर बस पैसा कमाना और अपने जीवन के सुख भोगना ही आपका परम उद्देश्य होगा। आप अपने निवेश को लेकर थोड़ा सा अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप पैसा इन्वेस्ट सही जगह पर नहीं कर पाएंगे या सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पैसों के मामलों को लेकर परिवार वालों के साथ गलतफहमी हो सकती है, पारिवारिक संपत्ति, पारिवारिक वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई आपको पैसा मिलना हो परिवार का, कोई ज़मीन जायदाद मिलनी हो तो उसमें भी देरी हो सकती है। आपकी वाणी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिससे घर में विवाद हो सकता है, जीवन साथी से विवाद हो सकता है, आपके ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वाणी का मधुर न रहना आपके ऑफिस, आपके कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी व्यापार में भी तनाव पैदा करेगा। इस दौरान आपके हर प्रकार के रिश्तों में खटास या लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, या फिर दोस्ती यारी हो, या बॉस हो, या फिर कर्मचारी हो। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितना हो सके मीठी जुबान बोलिएगा, तेज जुबान मत बोलिएगा और धैर्य से काम लीजिएगा और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लेके आइएगा। शांत
रवैया अपनाइएगा और किसी चीज को पाने की इच्छा में इतने ना नीचे गिर जाएं कि फिर कुछ ऊंच नीच का फर्क ही आप गंवा बैठे। तो आप, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत मेहनत करें कि मुझे तो बहुत लालच होगा आपके अंदर, बेसिकली लालच होगा, पाने की इच्छा होगी, जो मेरा नहीं है वो भी मुझे चाहिए, पेट भर गया है उसके बावजूद भी मन करेगा और जो पड़ा है ये भी खा लूं, भले पेट खराब हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन खा लूं, अंदर भर लूं, और ले जाऊं, और ले जाऊं, ये भी ले जाऊं। ये सब के चलते आपकी जो है, आप भाई जिसका लालच ही खत्म ना हो तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, तो आप पाकर भी संतुष्ट नहीं होंगे, आपको लगेगा कुछ और कमी, और दे दो, और दे दो, इस सब के चक्कर में फंसे रहेंगे और परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, अपने मुंह और जबड़ों का खास ख्याल रखिएगा और दांतों से संबंधित परेशानी या जो मुंह का अंदरूनी हिस्सा है इसके अंदर जो जो भी अंग है उनसे आपको थोड़ा सा दो चार होना पड़ सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। आंखों का ध्यान रखिए, सर दर्द माइग्रेन वगैरह बढ़ सकता है, कोई और सर से संबंधित बीमारी है तो बढ़ सकती है, आंखों की रोशनी कम घट हो सकती है, नंबर बढ़ सकता है, तनाव हो सकता है, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी आपको और आपकी राशि के लोगों को। और वैसे भी आपको शनि की 7:30 ही चल रही है तो थोड़ा बच के रहिएगा आप, और लालच मत करिएगा, जो भी कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको प्यार से स्वीकार कर लेंगे तो बढ़िया है, लालच के चक्कर में डूब जाएंगे। और पारिवारिक झगड़ों से बचिएगा, मीठी वाणी बोलिएगा और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खरीदने के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसा आ गया तो खरीद लो, एक होता ना बस, जैसे जैसे आपको ऐसा लगेगा कि बस दुनिया का आखिरी दिन है, आज ही सब कुछ बटोर लो, तो आप बटोरने के चक्कर में बहुत कुछ गवा भी बैठेंगे। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए तो शायद आपको कुछ शांति मिले, माँ सरस्वती की आराधना करिए जिससे दिमाग शांत रहे, और सूर्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को बल दीजिए, उपाय करिए ताकि आपके सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट दें। सूर्य कमजोर तो समझ लीजिए सब कुछ कमजोर, तो अगर कुछ पाना है, कुछ अच्छा करना है तो फिर आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय भी करने होंगे। जन्म कुंडली बनवाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अब जानते हैं कैसे हम साल 2022 और 2023 को बेहतर बना सकते हैं, आगे के 2 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूँ आपका। आपके मन में 100 प्रश्न हो सकते हैं, आपके दिमाग में 100 प्रश्न हो सकते हैं कि मेरा कल कैसा होगा, मेरे बच्चों का कल कैसा होगा, मेरी वाइफ का कल कैसा होगा, मेरे माता पिता का कल कैसा होगा, मेरे परिवार का कल कैसा होगा, जो आने वाला कल है यानी आने वाले महीने और साल कैसे होंगे, आने वाला 2022 कैसा होगा, आने वाला 2023 कैसा होगा। ये आपके दिमाग में बहुत प्रश्न हो सकते हैं कि मेरी नौकरी कैसे होगी, मेरा व्यापार कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, देश विदेश की यात्रा का क्या होगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, सेहत कैसी रहेगी, क्या उधार चुका पाएंगे, क्या प्यार के रिश्ते बन पाएंगे, क्या सेहत बढ़िया हो पाएगी, क्या हम समाज में फिर से सर उठाकर जी पाएंगे, क्या कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ जाएंगे, कौन सी अंगूठी पहने जिससे फायदा होगा, कौन सी पूजा करें जिससे फायदा होगा, कुंडली में कौन सा ग्रह परेशानी दे रहा है, कुंडली में कौन सा वक्त अच्छा है, किस वक्त पर क्या किया जाए, क्या शेयर मार्केट में लाभ होगा या किसी अन्य क्षेत्र में लाभ होगा, कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा अंक हमारे लिए अच्छा है, कौन सा रत्न हमारे लिए अच्छा है, ये सब की जानकारी आप जानना चाहते हैं। क्या वाहन का सुख मिलेगा, क्या एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्या व्यर्थ में खर्चा तो नहीं होगा, क्या पैसा खूब आएगा, क्या जीवन सुरक्षित है, क्या हम सुरक्षित हैं, ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं लेकिन इनका उत्तर कोई नहीं देता। इनका उत्तर देने के लिए ये साल 2022 और 2023 की वार्षिक पत्रिका आपके समक्ष है, इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा होगा और इन प्रश्नों का उत्तर जानकर आप सही उपाय सही वक्त पर करके अपने जीवन को खुशहाल बना लेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए आपको L100 लिखकर भेजना है और इसकी कीमत है 800 रुपये, यानी एक साल का खर्चा 400 रुपये। 2022 अच्छा है तभी 2023 अच्छा है, 2023 अच्छा है तो 2024 तभी अच्छा होगा। पहली सीढ़ी अच्छी है, मजबूत है, तभी आप अगली सीढ़ी चढ़ पाएंगे। तो 2022 और 2023 का संपूर्ण भविष्य जानने के लिए, संपूर्ण उपाय और जानकारी जानने के लिए अभी ऑर्डर करें और लिखें L100 या दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क करें और 800 रुपये में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं और इसके साथ आपको जन्म कुंडली फ्री दी जाएगी।
नमस्कार।